हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी बहनी में। मैं हूँ आकिब खान। आज थोड़ा सा हमने सोचा कि फिल्मी दुनिया से निकलकर खाने की दुनिया में जाते हैं। रमजान का महीना है, थोड़ा सा लेट हो गए हम, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर से देर है लेकिन दुरुस्त है। इस वक्त हम है मुंबई के सबसे फेमस भिंडी बाजार में, भिंडी बाजार के बोरी मोहल्ला में, जहाँ पे हम हैं 26 तवक्कल स्वीट। सही कहा मैंने? ठीक है, हमें करेक्ट कर। और हमारे साथ खास मेहमान जो हमें एक्सप्लोर कराने वाले हैं इस पूरी जगह को, आप देख रहे हैं ना क्या काफ़ी भीड़ है भाई। बहुत बहुत स्वागत ही बोलूँगा मैं। थैंक यू आकिब भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। हेलो गाइस, ताहिर शब्बीर, ही इज फिल्मी वर्ल्ड से ज्यादा तो दूर नहीं है, हम बड़े फिल्मी है। थैंक यू फॉर कमिंग। रमजान ये मेरा भाई है मोहित। वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। दुकान तो चलाते हैं मोहित, रमजान में हम दोनों 5 साल के थे तब से वी हैव बीन वेटिंग टेबल्स, तो यहाँ के सबसे मैं सबसे फेमस वेटर हूँ, भाई चलाता है। मैं चलाता हूँ और वेटर तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प है फैमिली से। भाई आते हैं, मॉम आते हैं, मेरी वाइफ आते हैं। आई थिंक हम लोग खाना खिलाने के लिए पैदा हुए हैं, तो रमजान का महीना है, इज अ लॉट ऑफ क्राउड। मैं सबको इनवाइट करता हूँ, प्लीज़ दुकान पे आइए और खाइए, स्पेशली मालपुआ जो आप बाजू में देख रहे हो, यहाँ पे मालपुआ बन रहा है। शमशाद जरा दिखा मालपुआ, दिखा कैमरे पे, ये मालपुआ है। और ये देखो यहाँ पे जो है ये हमारी रबड़ी है, रबड़ी के साथ मालपुआ खाया जाता है। मुझे होल्ड इट फॉर मी, दोनों से समझिए वो दिस फ्लेवर। ये मैंगो, मैंगो की फिरनी है, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है तो फ्रेश मैंगो की फिरनी बनती है। ये है अपनी क्लासिक रोज फिरनी, जो ट्रेडिशनली बहुत सालों से हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, ये सबसे ज़्यादा चलती है और ये ट्रेडिशनल है अपनी, जो सबसे पुरानी वाली फिरनी है। ये हमारे अब्बा ने बहुत मेहनत से बनाई थी। इसका रूट जाता है ईरान तक, इसको बहुत ही मेहनत से अब्बा ने तराशा हुआ है। तो ये दिस इज वन आउट ऑफ द ऑलमोस्ट 300 थिंग्स दैट यू गेट एट द शॉप। खाना भी बहुत है, अगर आप वहाँ पे पैन करोगे खाना भी है, मिठाई है। ये वीडियो खत्म ही नहीं हुआ, 2 घंटे का एपिसोड बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूंगा आपसे कि ये मतलब बहुत सी जगहें होती हैं जो रमजान में खास करके जो पूरी लोग होते हैं एक्सप्लोर करते हैं, बट यहाँ पे माशाल्लाह हर टाइम लोग आते हैं, बिकॉज इतने टाइम से ये चले आ रही चीज़ें। आई हैव अ सो मैं एक चीज़ पूछूंगा कि आप लोग क्या चीज़ में दिमाग रख ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, मैंने जो देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आप लोगों की परवरिश भी जो दिखती है कि जो चीज़ आप लोगों के अंदर, तो आप क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं कि जब लोग आएँ आपसे मिलें आपकी जगह पे आएँ तो आप लोग? हम लोग तो पले बड़े यहाँ पे, हम लोग भिंडी बाजार में पैदा हुए, तो हम लोग भिंडी बाजार के लड़के हैं, और मेन फोकस हमारा वही होता है कस्टमर को सर्विस बेस्ट दे और खाना क्वालिटी खिलाए। तो मेरे अब्बा का भी वही था कि कुछ भी हो जाए क्वालिटी शुड बी गिवन मोस्ट इम्पॉर्टेंस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और कस्टमर को ऐसा फील नहीं करवाओ कभी भी कि कुछ गलत है। कस्टमर है मतलब खुदा है हमारे लिए। एक कस्टमर ने ऐसा बोला था कि बेटा ये मत सोचना कि तेरे पप्पा जो है मिठाई बेचते हैं वो मिठास बेचते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोला दैट योर फादर डिडंट सेल स्वीट्स, ही सोल्ड स्वीटनेस। और अब्बा हमेशा ये बोला करते थे कि जो कस्टमर है वो तुम्हारा परिवार का सदस्य है, उसको कोई रीज़न नहीं आने के लिए, वो सिर्फ मोहब्बत के लिए आता है। इसीलिए जितने भी मेरे जो मेरा फिल्म का भी जो लोग मेरे जो फैन फॉलोइंग है वो भी मैं हमेशा कहता हूँ दे लाइक फैमिली, बिकॉज देर इज नो रीज़न फॉर यू टू बी एक्सेप्ट फॉर लव। पहले प्यार दो, खाना फिल्म वो तो बनती रहेगी। अच्छा, एक फिल्मी लाइन है, ये खून पसीने की कमाई, बहुत पसीना निकल रहा है तो यहाँ पे इतना आसान नहीं है। तो रमज़ान में कितना हेक्टिक होता है, क्योंकि रमज़ान में बहुत क्राउड आता है, हर लाइक रिलीजन के लोग भी आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो रमज़ान में कितना हेक्टिक होता है? हेक्टिक तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मज़ा भी इतना ही आता है, क्योंकि हम लोग रेगुलर डेज से ज़्यादा काम करते हैं। हम लोग सुबह 4-4:15 बजे तक दुकान खुली रहती है, एंड देन वी रीओपन अगेन 8:30 बजे सुबह दुकान खुल जाती है, तो टेक्निकली हम लोग खाली 3-4 घंटे के लिए दुकान बंद रखते हैं। तो हेक्टिक तो बहुत है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, बट एक ही महीना है और ये एक ही बार आता है साल में, तो मेहनत और मज़ा दोनों ही बहुत ज़्यादा आता है। और उसका फल भी है, क्योंकि नॉर्मली और राइट ऐसा लोगों को लगता है कि सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन आता है, और अगर आप देखोगे मुस्लिम पॉपुलेशन ओनली 30%, 70% ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर, और ये उससे ज़्यादा बड़ा प्राइज़ नहीं है। और हमने बहुत मेहनत की है, हम दोनों ने इस पूरी एरिया को अपलिफ्ट किया है। लोग पहले सिर्फ मोहम्मद अली रोड जाते थे, तो अभी सब लोग यहाँ आते हैं। वो मेरे अब्बा का भी बड़ा बड़ी आरजू थी कि जो क्वालिटी खाना यहाँ मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता है, और यहाँ का जो प्यार मिलता है, जो आपने कहा हॉस्पिटेबिलिटी, देर इज एन इंटरेक्शन विद पीपल। अगर आप देखो लाइन ऑफ पीपल नाउ वांटिंग टू ईट गुड फूड, कोई भी रुकता नहीं यार, यहाँ पे एक एक दो दो घंटे तक लोग रुके हैं, इट्स ओनली फॉर द लव ऑफ द फूड। अच्छा, फ्रेंड्स कितने आए आपके, क्योंकि हमने तो थोड़ी सी झलक देखी है अभी, तो कितने फ्रेंड्स आकर के गए और क्या कुछ अभी, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं तो ये भी मिस करने वाले हैं रमजान का टाइम, और ये जो सब लोग आ रहे थे गेट टुगेदर होता है, हम लोग तो बहुत मिस करेंगे ऑनेस्टली रमजान को। जब इनफैक्ट एक महीना लगता है रमजान को सिस्टम के बाहर निकालने के लिए,
बट दोस्तों अभी दोस्त की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हम छोटे थे हमारे दोस्त लाते थे खिलाते थे तो अब्बा बोलते थे कितना खिलाओगे कितने दोस्त है, पर अभी ऐसा हो गया कि हमारे दोस्त सिंस वी बिकम व्हाटएवर वी बिकम बिकॉज ऑफ माय एक्टिंग करियर एंड फिल्म करियर ऑल्सो, नाउ हमारे दोस्त थोड़े जानी मानी दोस्त बन गए, सो दे ऑल्सो कम लाइक सलमान सर एंड मोहित गेट अलॉन्ग रियली। मोहित सलमान सर का सबसे बड़ा फैन है और उनको खिलाता रहता है। सलमान सर लव्स अ फैन, यू जस्ट सॉ सलमान सर फैमिली वॉज हियर, इस साल दिया आई है, मलिका शेरावत वॉज रियली शॉक, भिंडी बाजार बहुत खुश हो गया था डे मलिका के, अदिति हुमा मैं मिसिंग शिल्पा मैम रवीना मैम माइट कम, इट्स अ ग्रेट थिंग यार, और लोगों को मजा भी आता है ना यहाँ पे जरा थोड़ा सा रौनक और वाइब देखने का। बस कुछ नहीं यार, बस जो बोलना था भाई ने बोल दिया। अच्छा ठीक है, लास्ट जाने से पहले ये बताइए कि यहाँ पर आ करके इसके अलावा इसमें से क्या ट्राई करना चाहिए अगर ऐसे खाना है भाई, ये क्या है थोड़ा बता दो लाइक बहुत ये है। ये एक्चुअली हम लोग ने इसी साल एडिशन किया, ये पूरा बोरा ट्रेडिशनल बोरा क्विजीन है, ये केसर मटन दम बिरयानी है बोरा स्टाइल में, ये बहुत अलग से बनती है, ये हम लोग 2018 लॉकडाउन के पहले हमने एक बार बनाई थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा, फिर वो 3-4 साल नहीं हुआ, वी वर्क अ लॉट ऑन इट, तो दिस इज द बोरा बिरयानी जो ये साल स्पेसिफिकली ये रमजान के महीने में स्टार्ट किया। फिर ये वाइट मटन खिचड़ा है, वाइट खिचड़ा हलीम भी बोलते हैं लेकिन ये थोड़ा अलग रेसिपी से बनता है, ये खिचड़ा है, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा फेमस मटन निहारी है, मटन निहारी इज ऑल्सो मतलब ये हमारा सबसे बेस्ट सेलर आइटम है अभी, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर दिस ईयर ओनली, ये हम लोग ने पहले नहीं किया, ये साल हम लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, ये दीज आर ऑल ट्रेडिशनल आइटम्स, और ये हमारा मटन बावड़ा है जो लैम्ब शोल्डर बोलते हैं, ये भी हम लोग बहुत लिमिटेड बनाते हैं और इसका भी रिस्पॉन्स और इसका टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुपर है। तो दीज फोर थिंग्स आर द न्यू एडिशन दैट वी हैव डन दिस ईयर, दीज आर ऑल बोरा स्पेशलिटीज, हम भी एक्सप्लोर करेंगे और जितने भी फैंस हैं जितने भी लोग हैं आपके चाहने वाले हैं सबको एक्सप्लोर करना चाहिए यहाँ पे आकर के, एक बार तो ज़रूर आना चाहिए, फिर आप बार बार आएंगे भाई। ऑन द एंडिंग नोट, ईद की विशेष और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों भाई? आई वुड जस्ट लाइक टू से रमजान करीम, जैसे मेरे अब्बा हमेशा कहते थे कीप स्माइलिंग कीप लविंग, आपका जो प्रोफेशन है वो बाद में आता है, मोहब्बत और इंसानियत पहले आती है, सो एंड एज एन एक्टर ऑल्सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू एवरीबॉडी हू कीप्स गिविंग अस लव एंड ईद मुबारक इन एडवांस, वी हैव 1 वीक टू गो, एक हफ्ता और है, सिर्फ 8 दिन बचे हैं, प्लीज़ आई वुड इन्वाइट एवरीबॉडी, सब लोग आके प्लीज़ आइए, हमको मौका दीजिए खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वापस एक साल रुकना पड़ेगा, तो प्लीज़ प्लीज़ डू कम एंड ईद मुबारक इन एडवांस, आई लव यू, ईद मुबारक, थैंक यू सो मच।